जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स। आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो 98 मॉडल का प्राडो टीजेड है। ये डीजल में होता है, 3000 डीजल में आता है। ये शेप काफ़ी कॉमन है और आप सबने देखी होगी, और अगर इसको कहा जाए हमारी शेप मार्केट की XLi GLi है तो इसमें भी कोई शक नहीं होगा। इसका हर पार्ट, हर चीज़ ईजी टू एक्सेस है, ईजी टू आपको अवेलेबल है, और कहीं से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हर चीज़ इसकी मिल जाती है और रीसेल में भी बहुत तेज़ है। इसकी सर्विस, मेंटेनेंस, सारा कुछ कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। थोड़ा सा महंगा ज़रूर पड़ता है, और जहां तक पेट्रोल फ्यूल एवरेज का ताल्लुक है तो ये 3 से 4 किलोमीटर पर लीटर डीजल में करता है, क्योंकि ये डीज़ल वर्जन आते हैं। इनमें पहले टर्बो वेरिएंट्स भी आते थे, जो इसके ऊपर वाले मॉडल्स हैं उनमें टर्बो वेरिएंट्स भी आते थे, बट उनमें टर्बो का काफ़ी प्रॉब्लम आता था। बट ये शेप देखा जाए, ये हमारे हर गांव, पेंड, बड़े शहर, छोटे शहर, ये हर जगह नज़र आती है, और आज भी हमारी आवाम इसको बहुत पसंद करती है। इसकी पसंद की वजह एक तो इसकी प्राइस है, प्राइस के साथ साथ इसकी फ़ीचर्स हैं, इसकी क्रेडिबिलिटी है, और टोयोटा का एक नाम भी है कि टोयोटा आज नहीं, टोयोटा काफ़ी सालों से प्राडो में काम कर रहा है। और हर प्राडो, अगर टोयोटा की कोई प्राडो ऐसी नहीं है जो फेल मॉडल गया हो, हर प्राडो टोयोटा का कामयाब तरीन मॉडल गया है। ये सिर्फ पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान में नहीं, मैं दुनिया भर की बात कर रहा हूँ, दुनिया भर में कामयाब तरीन मॉडल गया है। जहाँ तक साइड का ताल्लुक है तो साइड भी इसकी काफ़ी खूबसूरत है, क्लियरेंस बहुत ज़्यादा ऊँची ऊँची है, और आप देख रहे हैं एक जंगला टाइप, ये काफ़ी इसमें ट्रेंड है कि जो पुराने इस टाइप की जिनके पास गाड़ियाँ होती हैं वो जंगला सा लगा देते हैं। बिलीव मी, मैंने ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ देखी हैं, बट ये वन ऑफ़ द बेस्ट कंडीशंस है। और हालांकि इतनी पुरानी गाड़ी आप कह लें, मतलब जनरेशन गुजर जाती है एक, बट मैं ख़ुद बड़ा सरप्राइज हूँ कि ये गाड़ी, इसकी कंडीशन, मैं ख़ुद हैरान हूँ। और इसमें पता चलता है कि बहुत इसे इतने सालों के बाद भी बहुत संभाल के रखा हुआ है, जो कि मेरा ख्याल है एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस गाड़ी के लवर्स हैं, बिल्कुल हैं, अभी भी हैं। जहाँ तक गाड़ी की बैक का ताल्लुक है तो बैक भी काफ़ी खूबसूरत है। सबसे अच्छी चीज़ इसमें मुझे जो है ये टायर की लगती है, जो कि आज भी आती है। आप देखें, ये चीज़ आज भी आती है, आपको क्रूज़र में मिल जाता है, प्राडो में भी मिल जाता है, जो दुबई में आते हैं ज़्यादातर उनमें ये आपको वर्जन मिलता है। बाकी जैसे मैंने पहले बताया, उस टाइम टिंटेड ग्लास ये चीज़ें इतनी नहीं आती थी। और TZ है, ये टॉप ऑफ द लाइन आता है, ये 3000 cc डीज़ल में है। और एक और चीज़ जो मुझे इसमें काफ़ी अच्छी लग रही है, ये बांसरी, ये आफ्टर मार्केट है, इसको हमारे यहाँ बांसरी भी कहते हैं, एग्जॉस्ट भी कहते हैं, स्लेंसर भी कहते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। इन गाड़ियों के बारे में ये ज़रूर चीज़ है कि आपको अच्छी साफ़ हालत की गाड़ी बहुत मुश्किल से मार्केट में मिलेगी। और अगर प्राइस का ताल्लुक है तो प्राइस इसकी तकरीबन 25 से 30 से 32 लाख के दरमियान आपको अच्छी गाड़ी मिलेगी, अच्छी हल्की गाड़ी 17-18-20 लाख की मिल जाएगी। जहाँ तक मॉडर्न फीचर और एक्सेसरीज़ की बात की जाए तो उस टाइम ये चीज़ें आती नहीं थी, टिंटेड ग्लास, एरोडायनेमिक शेप, फैमिली प्राइवेसी, ये चीज़ें उस टाइम क्योंकि उस टाइम मैटर भी नहीं करती थी और आती भी नहीं थी, और इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जैसे पुश स्टार्ट, रडार, क्रूज़, ये चीज़ें नहीं आती थी, तो इसलिए इन गाड़ियों में भी नहीं है, बट नई शेप वाले प्राडो में सारा कुछ है। जहाँ तक इंटीरियर का ताल्लुक है तो उस टाइम इतनी चीज़ें इंटीरियर में नहीं आती थी, बट ये गाड़ी जैसे मैंने पहले बताया बहुत साफ़ है, हर चीज़ इसकी आपको पता चलती है। काफ़ी लोग इस चीज़ के बारे में पूछते हैं कि क्या ये कंपस मीटर्स होते हैं, और गाड़ी में अगर देखा जाए काफ़ी इसको आप देख सकते हैं, काफ़ी इसका ख्याल किया गया, और पता चलता है कि अच्छी गाड़ी है, रुली हुई गाड़ी नहीं है। हर जगह आप देखें, हर चीज़ में आपको सफाई नज़र आती है, बिल्कुल ये चीज़, ये गाड़ी बहुत ही रेयर मिलेगी ऐसी अच्छी गाड़ी। ज़्यादातर लोगों ने ये किया है, इस शेप की जिनके पास प्राडो है उन्होंने बॉडी शॉडी चेंज करवाई हुई है। बाकी मीटर भी देखें, आपको पता चलता है कि काफ़ी अच्छी मेंटेन, वेल मेंटेन गाड़ी है, जो कि मेरे ख्याल आजकल ढूंढना मुश्किल है। बाकी कोई इतने गैजेट्स नहीं आते थे उस टाइम। एक ये बड़ा मसला इनमें आता है, 4x4 गियर का थोड़ा सा है, ये प्रॉब्लम करता है, ये आप ख़राब हो जाता है अगर आप इसको ज़्यादा खींचें तो ये, कि बाकी इसमें थोड़ा सा गियर के भी इश्यूज़ आते हैं, इंजन के भी हैं, क्योंकि पुरानी गाड़ी हो गई है। बट ये वाली गाड़ी मैं खुद सरप्राइज हूँ कि इतनी पुरानी हो के इतनी वेल मेंटेन है, हर चीज़ इसकी चमक रही है, और आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा। जहाँ तक ड्राइव का ताल्लुक है तो गाड़ी ड्राइव में भी अगर देखा जाए उठती है, फ़ौरन उठती है, पिक है गाड़ी की काफ़ी, और आप देखें काफ़ी इंस्टेंट है पिक, एकदम गाड़ी उठती है, डीजल में है। बट एक चीज़ ज़रूर है, ये डीजल काफ़ी खाती है, क्योंकि उस टाइम फ्यूल सेविंग या इको मोड का कोई चक्कर नहीं होता था। बाकी ड्राइव वाइज अच्छी गाड़ी, अगर आपका शौक है आप लाजमी लें गाड़ी, अगर आपने ज़मीनों पे जाना है लाजमी लें ये गाड़ी, बहुत कामयाब है आपके गांव में, पिंड में, इवन अभी शहर में भी है। बट थोड़ा सा ये कि आपको काम शाम थोड़ा इसका करवाने पड़ते हैं, गाड़ी अप टू डेट रखनी पड़ती है, तो ये कि गाड़ी तंग नहीं करती। बट जहाँ तक पार्ट्स का ताल्लुक है, आपको अब मैंने काफ़ी अब तो सुना कि आप तो लोग करवा रहे हैं इसमें काफ़ी पूरी इसकी बॉडी चेंज करवा लेते हैं, क्योंकि चेसिस नहीं करवा सकते, चेसिस के ऊपर ही आती है बॉडी। बाकी कटिंग भी गाड़ी की सॉफ्ट है अगर देखा जाए एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि ये इसके मैंने और भी मॉडल्स चलाए हैं जो ऊपर वाले हैं, कटिंग में थोड़ी हार्ड हैं गाड़ियाँ, बट ये वाली वैसे गाड़ी सॉफ्ट है, जो इसी में 96-97 मॉडल है। बाकी यही है कि ये गाड़ी की थोड़ा सा आपको मतलब ये कि
मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप इसको साफ़ सुथरा रखें, पॉलिश करें गाड़ी, इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, इसके प्लग श्लग सारा कुछ कराते रहें, गाड़ी कभी तंग नहीं करती। और इसमें मैं भी सरप्राइज हूँ, हालांकि मेरा ख्याल नहीं था क्योंकि रेयर ही उस टाइम आते थे सनरूफ गाड़ी में, देखा जाए सनरूफ भी है जो कि और चलता भी है, सबसे अच्छी बात है वर्किंग में है। हालांकि गाड़ी में सनरूफ तो था, बिल्कुल है, TZ जी में भी ऑप्शन आते हैं, उस टाइम में पैकेजेस आते थे कि किस में होता था किस में नहीं होता था, बट इसमें देखा जाए है सनरूफ और इस टाइम वर्किंग में है, तो इससे पता चलता है गाड़ी मेंटेन है। अब आप देख सकते हैं कंपास का भी आपको नज़र आएगा, काफ़ी हर चीज़ आप देख सकते हैं काफ़ी साफ़ सुथरी पता चलता है। और LCD उस टाइम नहीं आते थे, उस टाइम टेप आते थे गाड़ी में। बाकी ड्राइवर इस गाड़ी काफ़ी स्मूथ है। और इसमें एक चीज़ है बस, थोड़ा सा आपको डीजल अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप लेंगे, लाजमी लें, और अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में रहते हैं तब भी ये गाड़ी बहुत हेल्पफुल है, यूज़फुल है। और मेरा ख्याल है रीसेल में भी, जैसे मैंने पहले बताया, रीसेल वाइज भी अगर इसको XLI GLI कह लें तो कोई बुरी बात नहीं है। और एक चीज़ ज़रूर है इसके बारे में, काफ़ी लोगों का ये है कि जब कहीं जाते हैं कि जिस तरह लॉन्ग पे जाते हैं डीजल गंदा डलवा लेते हैं तो गाड़ी उसमें ये कि गाड़ी आपकी मिसिंग काफ़ी करती है, तो ये है कि वो अब उसका भी यही हाल है कि जिस तरह मतलब ईरानी डीजल जो होता है ख़ास तौर पे, उसके बारे में मैंने काफ़ी सुना है कि जो लोग डलवाते हैं गाड़ी फिर मिसिंग नॉकिंग काफ़ी इश्यूज आ जाते हैं। और जहाँ तक AC का ताल्लुक है तो काफ़ी इसमें रेयर गाड़ियाँ जिनका प्रॉपर चलता है, और अगर बटन देखे जाएँ तो बटन भी आपको हार्ड लगते हैं काफ़ी, जो कि है क्योंकि उस टाइम यही चीज़ें आती थी, उस टाइम के हिसाब से यही चीज़ें हैं, काफ़ी रेयर गाड़ी जिनमें AC प्रॉपर चलते हैं। इसमें भी जिस तरह AC का थोड़ा इशू है गैस का, देखा जाए तो पैसेंजर सीट पे भी काफ़ी आप कंफर्टेबल बैठते हैं, और जैसे मैंने पहले बताया गाड़ी वेल मेंटेन है, साफ़ सुथरी है, आपको पता चलता है। और इसमें एक चीज़ ज़रूर है कि काफ़ी लोग इसमें ये कि दरवाजे इसके हार्ड हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि उस टाइम ये चीज़ें आती थी, आपको थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है। और एक और चीज़ के बारे में बता दूँ कि ये डीज़ल गाड़ियाँ जो भी ज़्यादातर पुरानी गाड़ियाँ हैं, पुराने प्राडो सर्फ हैं, इसमें अक्सर लोग कहते हैं कि यार चलता नहीं, या जिसको नहीं फर्स्ट टाइम पता होता उसके लिए मुश्किल होती है, तो इसमें बता दूँ कि जब आप स्टार्ट करते हैं सेल्फ मारते हैं तो उसके साथ आपको रेस पे भी पाँव रखना पड़ता है, रेस पे भी आप रखेंगे तो गाड़ी चलेगी, स्टार्ट होगी, तो ये चीज़ है काफ़ी लोग ये मिस करते हैं और वो कहते हैं स्टार्ट नहीं हो रही, जिसको नहीं पता होता इस चीज़ के बारे में, वो स्पेशली मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, जो यूज़र है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है इस चीज़ का। उम्मीद करता हूँ मेरा आज का 98 मॉडल के डीज़ल प्राडो का आपको रिव्यू पसंद आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की, बट एक ये शॉर्ट सा रिव्यू था, ये प्रॉपर रिव्यू नहीं है, काफ़ी चीज़ें इसमें स्टिल रह गई हैं, और भी इसकी काफ़ी बातें हैं मैंने आपको बतानी थी, बट ये कि टाइम की कुछ कमी की वजह से और कुछ बस मैं टाइम की मैनेजमेंट की वजह से मैं इसको कर नहीं सका। कुछ चीज़ हो लाजमी कमेंट करें, नेगेटिव कमेंट ना करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपने अपनी किसी भी गाड़ी का रिव्यू कराना हो मुझे कमेंट में लाजमी लिखें, मैं आपको इंस्टेंट जवाब दूंगा। और इसे फेसबुक पे भी शेयर किया करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना कोई मुश्किल नहीं, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं सब्सक्राइब का नहीं पता, तो मैं ये बता दूं प्यारे भाइयों लाल बटन दबा दें, और कमेंट में अक्सर मुझे ये मैं बहुत खुश होती हूँ जब लोग लिखते हैं फ़र्स्ट फर्स्ट, तो हमेशा ऐसे ही फर्स्ट ही रहें। इंशाल्लाह आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहेंगे, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।